वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की एक बैठक राम मनोहर पेट्रोल पंप पर संपन्न हुई, जिसमें संभागीय अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, सुशील गुप्ता, पदमिटोरिया, राजकुमार नामदेव के मुख्य आतिथ्य में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आजीवन चार नए सदस्यों को भी बनाया गया और उन्हें वैश्य महासम्मेलन के उद्देश्यों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। जबेरा से आशीष जैन की रिपोर्ट। तो इनका प्रतिनिधि से स्वागत किया जाए। हमारे उपाध्यक्ष जिला आदरणीय राजकुमार नामदेव जी, पदाधिकारी कार्यकारी सभी का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। महिला पिछली बार आया था, मैं तो दीपक जी थे, आशीष थे, तो कई पंद्रह विश्व बना के गया था यहाँ से। उस समय खुशी का माहौल था और आज भी खुशी का माहौल है। और अभी जैसे आशीष भाई ने बोला है कि यहाँ की जागरूकता सक्रियता के बारे में हमने विचार रखे हैं, जिसके में हमारे सुशील भाई ने, परम भाई ने, राजकुमार, समझता हूँ कि 3% भी आरक्षण, मतलब आरक्षण से विधि विधाय से या नियमानुसार आरक्षण मत दीजिए, लेकिन हम एकजुटता होकर यदि किसी अपने वैश्य बंधु को आगे करें तो हम बताने तो हो कि हम संख्या बल में इतनी अधिक संख्या में होंगे। सेवा कार्य करवाने के लिए सबसे पहले लोग बात बनिए के पास चंदा ले, अपना अमूल्य समय देकर हमारे भी हम लोगों के साथ में खड़े होकर लगभग लगभग संपन्न होता है, पर जो नहीं दे पाता वो होता है समय। जो आप लोगों ने यहाँ आकर दिया और हमारे मित्र बंधुओं ने समय दिया, उसके लिए शहर उन्हें सहयोग करते, लेकिन हम ये भी चाहते जब हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं और संख्या बल में भी हम पर्याप्त प्रतिनिधित्व कर सकते हैं वैश्य बंधुओं को।